विभिन्न समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विधायक प्रतिनिधि से मिले। मंगलवार को बरहरवा प्रखंड स्थित विधायक कक्ष में वृद्धा पेंशन, आवास, जमीन संबंधित समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने विधायक प्रतिनिधि बरकत खान के समक्ष शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं पदाधिकारियों से वार्ता कर समस्या का जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा। उक्त मौके पर विधायक प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष बरकत खान, वरिष्ठ कांग्रेसी कमल आर्य, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुफक्कर हुसैन, कांग्रेस स्वास्थ्य विभाग प्रदेश सचिव संतोष कुमार झा, प्रखंड उपाध्यक्ष मोहम्मद सफतुल्ला, ओम प्रकाश राय, ओबीसी विभाग के जिला सचिव संतोष राम, ओबीसी विभाग के नगर अध्यक्ष अभिजीत दास, सोभिनाथ महतो, मुन्ना कुमार यादव उपस्थित थे। खबर 365 न्यूज के लिए साहिबगंज ब्यूरो, दीपक देशमुख की रिपोर्ट। प्रत्येक मंगलवार की भांति आज भी विधायक कक्ष में माननीय विधायक के प्रतिनिधि के रूप में आज लोगों की समस्याओं को हमने सुना और बहुत हद तक निदान करने का प्रयास हमने किया। यहाँ सभी पदाधिकारियों को यहाँ बुलाकर या उनसे संपर्क कर, और विशेष करके सबसे अधिक समस्याएं यहाँ अंचल से आती है। अंचल में छोटे मोटे जो काम है, जैसे ऑनलाइन में चढ़ाना या फिर किसी का जमीन मापी संबंधित, या फिर कोई जमीन विवादित है तो उससे संबंधित छोटी मोटी समस्याएं भी अगर अंचल के कर्मचारी पदाधिकारी अगर अपने स्तर से इसको टेकअप करें तो लग रहा है कि मेरे यहाँ तक समस्याएं नहीं आएगी, लेकिन उन लोगों के उदासीकरण के चलते ये समस्याएं यहाँ आती है और हम जो है उसको उन तक उनसे संपर्क करके ये समस्याएं को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, बहुत हद तक दूर भी करते हैं। बहुत सारी समस्याएं आवास की भी आती है, आवास की समस्याएं आती है कि लिंटन के बाद दूसरा फेज होता है छत के लिए, जो जब तक जियो टैग नहीं होगा तब तक छत का जो है रुपया उनके खाते में जाता नहीं है। और वो लोग भी बहुत सारे लोग आते हैं कि हम अंचल का प्रखंड का यहाँ जो है चक्कर लगाते रहते हैं, पदाधिकारी सुनते नहीं है। ये सब भी आज हमने देखा है और पदाधिकारियों को जो है बात करके उनको हमने कहा कि जितना जल्दी या तत्शीघ्र जो है इसको समस्या को दूर कर और जल्द से जल्द उन लोगों का खाता में रुपया भेजिए ताकि बरसात से पहले उन लोगों का मकान बन सके। यही सब समस्या को लेकर बहुत सारे वृद्धा पेंशन समस्याएं भी आज आई हुई थी। वृद्धा पेंशन समस्या, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन जो है बंद है, 5-6 माह से लोग को पेमेंट मिला नहीं है। आज हमने संपर्क किया अंचल के पदाधिकारियों से, जिला के पदाधिकारियों से, तो उन्होंने बताया कि ये आपका ट्रेजरी में कुछ कारण से रुका हुआ था, लेकिन आज पता चला कि वहाँ से चल चुका है पैसा। अब 1-1 सप्ताह के अंदर इन लोग का पेंशन भी जो है आ रहा शुरू हो जाएगा खाता में। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।